कर लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए लत्तूक चोटी पर फंसे रूसी पैमा अलेक्जेंडर गोकॉफ को बचा लिया और तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए लत्तूक चोटी पर फंसे रूसी कोह पैमा अलेक्जेंडर गोकॉफ को बचा लिया और तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया। ISPR के मुताबिक रूसी कोह पैमा अलेक्जेंडर गोकॉफ एक मुहिम के दौरान 20,600 फुट की बुलंदी पर फंस गया था। आर्मी एविएशन ने शदीद बर्फ और घने बादलों के बावजूद अपनी नौयत का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए रूसी कोह पैमा को न सिर्फ तलाश किया बल्कि कामयाबी से रेस्क्यू भी कर लिया। रूसी कोह पैमा को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू किया। रूसी कोह पैमा अलेक्जेंडर गोकॉफ लत्तूक पीक 1 पर 20,650 फुट की बुलंदी पर बियाफो ग्लेशियर पर 25 जुलाई से फंसे हुए थे। ISPR के मुताबिक रूसी कोह पैमा के पास 3 दिन कबल खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। रेस्क्यू के बाद उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। मंगल को पाक फौज के शोबा बराए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूसी कोह पैमा अलेक्जेंडर गोकॉफ से अस्पताल में मुलाकात की। रशियन कोह पैमा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और पाक फौज की तारीफ की। Yeah, thank you. The army of the Pakistan is the best one in the world. And the helicopters, drivers, they are also the best ones. Thank them as well. I like the Pakistan. I was impressed of the people of the Pakistan. They are friendly, helpful, and very, very brave and open-minded. I was impressed. Thanks. Pakistan, Russian, Zindabad. Drujba forever. खबर शामिल कर लेते हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के सदर और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि MMA मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के सदर और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि MMA मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। MMA में इख्तलाफात की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो अपनी मौत आप मर जाएंगी, उनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरबराह JUI फे का कहना था पूरे मुल्क में एक एक हल्के को खोला जाए। PTI की क़यादत ने कहा कि अगर कोई चाहता है तो हम पुल के तमाम हलकों को खोलने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं हाँ, आओ तमाम हलकों को खोलें, अंगूठे के निशानात का जायजा लें, मोहर के निशानात का जायजा लें और पूरे मुल्क के इंतखाब को अगर शफाफ बनाना है तो एक एक हलके को दोबारा खोल दिया जाए और उसकी बुनियाद पर हुकूमत कायम न की जाए जिसके नतीजे अभी आए हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था तहरीक इंसाफ धांधली की सूरत में बड़ी जमात बनी, इनके पास अक्सरियत नहीं है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस इंतखाबात में धांधली के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है, उसके पास अक्सरियत नहीं है और उसके अक्सरियत के दावे गलत हैं। फिर वो कौन होते हैं कि वो काबीना बना रहे हैं, वज़रा तय कर रहे हैं, गवर्नर तय कर रहे हैं। MMA के सरबराह का कहना था कि हल्फ ना उठाने के मामले को APC में लेकर जाएंगे। असेंबली में हल्फ उठाने या न उठाने का के बारे में जमात इस्लामी जो MMA का हिस्सा है उनकी तजवीज आज मजलिस अमल के इजलास में आई और सब ने इस पर इत्तेफाक किया कि इस तजवीज को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे और तमाम सियासी जमातों का एक मुश्तरका मौकफ लेने की कोशिश की जाएगी और तमाम के इत्तेफाक राय से इस पर एक मौकफ तय होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना था इस वक्त तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेंडिंग भी PTI ही कर रही है। इस वक्त बुरी तरीके से PTI हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग है, मेंबरान के पीछे जा रही है। जो कल तक हॉर्स ट्रेडिंग को गालियां देते रहे आज अपनी गालियां खुद चाट रहे हैं। खबर शामिल कर लेते हैं खेल के मैदान से, आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में होने वाले हॉकी बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के सदर की यकीन दहानी पर हॉकी प्लेयर्स ने एशियंस गेम में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी।
लाहौर में होने वाली हॉकी बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के सदर की यकीन दहानी पर हॉकी प्लेयर्स ने एशियन गेम्स में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी। हॉकी फेडरेशन के सदर ने टीम के खिलाड़ी को डेली अलाउंस देने की यकीन दहानी करा दी। कौमी हॉकी टीम के कप्तान रिजवान सीनियर का कहना है कि हमने बायकॉट नहीं किया था, ट्रेनिंग जारी रखी हुई थी, अपना हक मांगा था। कप्तान रिजवान का मजीद कहना था खिलाड़ियों पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। और कुछ बात कर लेते हैं सैर व तफरी के मकाम के हवाले से। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि लेफ्टन पर बनाए गए चाइना पोर्ट के नज़ारे आवाम के दिलों में घर कर गए। कराची वालों के लिए खुशखबरी के लिफ्टन पर बनाए गए चाइना पोर्ट के नज़ारे दिलकश दिखाई देते हैं, आवाम के दिलों में घर करते जा रहे हैं। कराची में तो वैसे भी बहुत से तफरीही मकामात हैं, लेकिन समंदर किनारे बनाया गया चाइना पोर्ट सब में बहुत मकबूल हो रहा है। यहाँ का रास्ता अगरचा दुश्वार है, लेकिन यहाँ के मनाजिर दिलफरेब हैं। यहाँ आने वाले शहरी सेल्फीज खूब बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। रोज यहाँ हजारों शहरी आते हैं और भरपूर लुत्फानंदोज होते हैं। पाक भेड़े का जहाज PNS असलद इन दिनों रूस की बंदरगाह सेंट पैट्रिक्सबर्ग का दौरा कर रहा है, जहाँ इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक बहरिया का जहाज PNS असलत इन दिनों रूस के बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा कर रहा है, जहां इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जहाज रशियन नेवी डे की तकरीबात में शिरकत करने वाला वाहिद गैर मुल्की जहाज है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रूसी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने के मौके पर डिप्टी हेड ऑफ लेनिन ग्रेड नेवल बेस रशियन फेडरेशन नेवी के ऑफिसर्स, पाकिस्तान के सफीर और पाकिस्तान के दिफाई अताशी जहाज का इस्तकबाल करने के मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर रशियन फेडरेशन नेवी बैंड ने अपनी रिवायती मशहूर कुन धुनों के साथ जहाज को और उसके अमले को खुश आमदीद कहा। पाकिस्तानी जहाज पर मौजूद मिशन कमांडर सेंट पीटर्सबर्ग के वाइस गवर्नर और कमांडर लेनिगर नेवल बेस से मुलाकातें की और मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रशियन फेडरेशन नेवी के मुख्तलिफ अहदेदारान ने इस मौके पर जहाज का दौरा भी किया। PNS असलत ने रशियन फेडरेशन नेवी डे की तकरीबात में शिरकत की। रशियन फेडरेशन नेवी डे की तकरीबात में शरीक होने वाला यह वाहिद गैर मुल्की बहरी जहाज था। पाक बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि यह दौरा दोनों ममालिक के बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और दिफाई ताबुन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ ही OPTV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV।